नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में नहीं पेश किया गया 20,000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र। पिछले कई वित्तीय वर्षों में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार के मुख्य सचिव को हल्फनामा दायर करने का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया था। रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई कर दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि वित्तीय वर्ष 2002-03 से लेकर 2013-14 तक बहुत सारे सरकारी विभागों ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया है। बिहार के आईएएस अफसरों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है, जो जिले में पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। गृह विभाग की तरफ से इसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। बिहार गृह विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आईपीएस अफसर पंकज कुमार को शिवहर जिला के एसपी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है, जिन्हें हाल ही में सरकार की तरफ से प्रमोशन मिला था। आपको बता दें कि आईपीएस पंकज कुमार फिलहाल तिरहुत क्षेत्र के आईजी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक प्रशासन का कार्यभार देख रहे हैं। शिवहर के एसपी संतोष कुमार इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार होने के कारण उन्हें आराम दिया गया है। बालूघाटों की बंदोबस्ती का मामला लेकर बिहार सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। बालूघाटों की बंदोबस्ती संबंधी एनजीटी के 21 अक्टूबर 2020 के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद दाखिल कर दिया। सूत्रों की माने तो 23 सितंबर 2020 को दिए गए बांका जिले के मामले में अपने एक फैसले में एनजीटी ने नए बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए एनआईटी को मनमानीपूर्ण और अनुचित करार दिया था। एनजीटी ने नदी घाटों की बंदोबस्ती से संबंधित डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने वाली एजेंसियां डीईआईएए और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को अवैध करार कर दिया था। फैसले में यह कहा गया है कि इनमें शामिल अधिकारियों में पर्यावरण संबंधी विशेषज्ञता का अभाव है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होगी एक डीआईजी की तैनाती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री की समीक्षा में दिए गए निर्देश का अनुपालन के बिंदुओं पर चर्चा भी की गई है। बैठक में यह तय हुआ है कि अब सभी अंचलों में अंचल गार्ड की तैनाती की जाएगी। विभाग के अपर सचिव ने बढ़ते भूमि विवाद के मद्देनजर अंचल गार्डो की आवश्यकता बताई है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने डीजीपी को हर एक अंचल में 4 सुरक्षा बल मुहैया कराने का निर्देश दिया है। फिलहाल महानिदेशक ने उपलब्धता के आधार पर 2 डीएपी एवं 2 होमगार्ड के जवान देने का भरोसा दिया है। वहीं मुख्य सचिव ने डीआईजी रैंक के एक अधिकारी की पदस्थापना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अस्थायी रूप से करने की सलाह दी है, ताकि पुलिस अधीक्षकों के साथ बेहतर समन्वय हो सके। पटना जंक्शन के वेटिंग रूम में अब गर्मी से नहीं होगी परेशानी। कोरोना के कारण वर्तमान समय में सीमित संख्या में ट्रेनों का परिचालन करवाया जा रहा है, जिसके कारण अब रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को नहीं मिलती है। हालांकि रेलवे प्रशासन इस समय का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी संसाधनों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, और यही कारण है कि पटना जंक्शन पर बने देश के सबसे बड़े वेटिंग रूम को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें, पटना जंक्शन पर सभी यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। नवनिर्मित यह प्रतीक्षालय वातानुकूलित है, लेकिन गर्मी के दिनों में लोगों को यहां पर पर्याप्त ठंडक नहीं मिल पाती। पहले लगी कूलिंग मशीन सिर्फ 20-30% ही ठंडा कर पाती थी। इस परेशानी के हल के लिए दक्षिण कोरिया से मंगाए गए 2 कूलिंग मशीन लगाए जा रहे हैं। दोनों मशीन 20-20 टन के हैं। इससे वेटिंग रूम में कूलिंग 100% हो सकेगी। बिहार चुनाव में 72 सीटों पर मिले हार का पता लगाने में जुटेगी जदयू। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू भले ही सरकार बनाने में कामयाब रही हो, मगर पार्टी को 72 सीटों पर मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद लोगों की नाराजगी का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं अब जदयू ने खुद मोर्चा संभालते हुए साथ ही डैमेज कंट्रोल करते हुए हारी हुई सीटों पर समीक्षा करना शुरू कर दिया है। बीते दिन से इसी क्रम में हारने वाली सीटों पर उतरे उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्रों में दौरे पर निकल चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रदेश इकाई को इसको समीक्षा करने का आदेश दिया था। 12 से 22 दिसंबर तक जदयू के सभी क्षेत्रीय प्रभारी अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और बूथ स्तर पर पार्टी प्रत्याशियों को मिले वोटों की समीक्षा करेंगे। साथ ही यह भी पता करने की कोशिश करेंगे कि पार्टी प्रत्याशी को क्यों कम वोट मिले हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नाले की खुदाई में मिली 6.5 फीट की ऊंची प्राचीन प्रतिमा। भागलपुर में एक नाले की खुदाई के दौरान लगभग 6.5 फीट की मूर्ति मिली है, जिसको लेकर आसपास के इलाकों में चर्चाएं शुरू हो गई है। पुरातात्विक महत्व वाले इस प्रतिमा को जहां स्थानीय लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति मान रहे हैं, वहीं जानकारी से भगवान यक्ष की मूर्ति मान रहे हैं। इसके बाद
इस मूर्ति की जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से करीब 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित शाहकुंड प्रखंड में खहरी कस्बा के मिश्रा टोला में मोतीलाल मिश्रा की जमीन पर नाले की खुदाई हो रही थी। इसी बीच मजदूर का कुदाल किसी ठोस पत्थर से टकरा। आसपास के लोगों ने मजदूरों के साथ मिलकर खुदाई की, फिर खुदाई शुरू हुई जिसके बाद 2.5 फीट नीचे यह मूर्ति मिली। मूर्ति कला की कई विशिष्टताओं से युक्त इस प्रतिमा के गले में कंठहार, सिर पर योद्धाओं के द्वारा धारण किए जाने वाले शिरस्त्रां तथा कमर में मेखला है। भाजपा का जागरूकता अभियान हुआ शुरू। किसान कानून को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों को दूर करने के लिए भाजपा ने जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन का आयोजन करवाया जाएगा। देश के सभी 718 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया जाएगा। इस काम में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ राज्य सरकार, राज्य सरकारों के मंत्रियों और संगठनों के नेताओं को लगाए जाने की बात सामने आई है। इस दौरान किसानों को नए कानून के मिलने वाले फायदे और कानून को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बारे में बताया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कृषि कानून को लेकर भारत सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनने के बाद अब किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में सुशील मोदी ने लिया शपथ। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं। शाम 4 बजे संसद भवन के ग्राउंड फ्लोर स्थित राज्यसभा चैम्बर में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलवाई है। शपथ ग्रहण के लिए सुशील मोदी बीते दिन ही राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। कानून व्यवस्था को लेकर 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने की तीसरे चरण की हाई लेवल बैठक। सुशासन पर उठे सवालों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक बार फिर से आला अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही इस बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री आवास में 11:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई। इस बैठक में सभी DMSP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 महीने के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर तीसरी दफा बैठक की है। नीतीश कुमार ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है कानून व्यवस्था को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिला और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। हालांकि इस बार हुड़दंगी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने दी युवराज सिंह को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई। भारतीय टीम के 2 बार वर्ल्ड कप में जीत दिलवाने वाले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में जन्मे युवराज ने हालांकि किसान आंदोलन की वजह से इसे नहीं मनाने का फैसला किया है। जन्मदिन के मौके पर युवराज को अपने फैंस और साथी क्रिकेटरों ने जमकर बधाइयां भी दी। इसी बीच वीरेंद्र सहवाग ने भी अनोखे अंदाज में युवराज को जन्मदिन की बधाई दी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब तक बल्ला चलता था तब तक तो ठाट थी, बॉलर्स की वाट थी, अब बल्ला चलने के बाद भी अलग ही बात है। बॉलर्स के एक अच्छे उतारने से लेकर बनियान पहनकर मैच देखने का स्वैग, यही अपने युवराज सिंह। हैप्पी बर्थडे युवराज सिंह, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आप स्वस्थ और खुश रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की कही बात। कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है, इन सारे प्रयासों से देश के किसान समृद्ध होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। मिर्जापुर का दूसरा सीजन अब तेलुगु और तमिल में भी उठा सकते हैं लुफ्त। मिर्जापुर सीजन 2 को दुनिया भर में बड़े लेवल पर तारीफ मिल रही है। इसमें बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, हर्षिता शेखर गौड़, ईशा तलवार समेत कई लोगों ने बतौर लीड रोल में काम किया है। वहीं अब इसके व्यूअरशिप में भी लगातार इजाफा हो रहा है। खास बात यह है कि इस वेब सीरीज का डब वर्जन अब भारत में क्षेत्रीय भाषाओं में भी अवेलेबल है। बीते दिन से ही Amazon प्राइम वीडियो पर रीजनल लैंग्वेज में मिर्जापुर 2 को देखा जा सकता है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 98 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 30,005 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 98,26,775 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 442 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,42,628 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश
प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम होता देखा जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 93,24,328 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में अब 3,59,819 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के 72 सीटों पर हारने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।